वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अब देखिए ना, मेहुल लखानी ने साइकिल से 1 लाख किलोमीटर जिसमें देश के सभी राज्य गमन करने का, और वह निकल पड़े मध्य प्रदेश से मेहुल भारत यात्री के नाम से। इस यात्रा के दौरान उन्हें मिनिस्टर नितिन गडकरी, विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने उनका मनोबल बढ़ाया। गोवा भी पहुंचे मेहुल भारत यात्री ने अब तक 12,500 किलोमीटर तय किया है, वह भी मात्र 233 दिनों में। इन दिनों वह मुंबई से सफर कर रहे हैं। वहीं उनका स्वागत गुजराती गौरव संगठन के भवेश तन्ना ने अपनी टीम के साथ भव्य रूप से किया। चलिए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं मेहुल भारत यात्री और भवेश तन्ना से और भी ढेर सारी बातें। खानी नागपुर से है, गुजराती भाई बंधु है। पिछले 21 जून इन्होंने साइकिल यात्रा चालू की थी और मुझे लगता है उन्होंने 5 स्टेट कवर कर लिए हैं और 233 दिन से ये लगातार साइकिल चला रहे। 12,500 किलोमीटर इन्होंने साइकिल चला ली है और इनका टारगेट है 1 लाख किलोमीटर चलाना। तो इसके लिए आज हमारी गुजराती गौरव संगठन जो है इनको मोटिवेशन कर रही है और ये हर एक यूथ के साथ हमारी गुजराती गौरव संगठन खड़ी हुई है। हमारे साथी कलाकार भी है, साथी कार्यकर्ता भी है। आरपीआई पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे भी मैं एक मोटिवेशन देता हूँ कि आठवले साहब की तरफ से भी इनको अभिनंदन देता हूँ। और इस तरह से कार्य करते रहे हुए कि हमारे देश का नाम मेहुल लाखानी ऊपर करे और मोदी जी के हाथों से भी इनका सम्मानित करावे। और मैं 2 शब्द मोदी मेहुल को बोलना चाहूँगा कि मेहुल योगा मास्टर भी है, योगा टीचर भी है, योग गुरु भी है, लोगों को योगा भी करवाता है और देश की स्वास्थ्य के लिए भी जुड़ा हुआ है। मेहुल 2 शब्द मेहुल भी अभी कैसे कल्पना आई आपको कि ये जो चुनौतियाँ चल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वातावरण था, तो मैंने योग किया, फिर योग मैंने सीखा और फिर इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली बच्चों की। फिर मैं समझ गया कि भी जो भी समस्या इसका हल हमारे पास है, भारतीय संस्कृति में है। तो एक मोटिवेशनल सकारात्मक संदेश के लिए मैं निकल पड़ा 21 जून से। 21 जून इसलिए चुना क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहता है। वो हमारे भारत का गौरव कि हमें यह सम्मान मिला कि हमने पूरे देश को योग की शिक्षा प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने का जो लक्ष्य है कि भारत ना बल्कि पूरे विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे, बस उसी उद्देश्य की कामना के लिए मैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत योग यात्रा, ये मेरा नाम है यात्रा का, भारत योग यात्रा अर्थात सभी स्कूल कॉलेजों में जहाँ जहाँ मुझे समय मिलता है पर्यटन स्थलों में लोगों को योग करवाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनको योग करवाता हूँ और जितना भी सकारात्मक माहौल हो सके देश में लोगों के बीच में वो स्थित करने का प्रयास करता हूँ। और यही प्रयास निरंतर जब तक के पूरा भारत ना हो जाए 1 लाख किलोमीटर, लगभग 2 या 3 साल का समय लगने वाला है, लेकिन पूरा 1 लाख का किलोमीटर और जितने हमारे देश के राज्य है, जितने पर्यटन स्थल है, जितने स्कूल कॉलेज है, ज़्यादा ज़्यादा तक जाने का प्रयास करूंगा और अपने युवाओं को एक सकारात्मक संदेश के माध्यम से एक सकारात्मक देश जो चाहते हैं मोदी जी, जितने अपने लोग चाहते हैं भारत के लोग, वो एक वापस से अपनी हमारी जो पहले जो व्यवस्था थी उसको लागू करने का प्रयास करूंगा, एक सकारात्मक माहौल बना रहे। तो योग के माध्यम से और जो भी अपनी संस्कृति अलग अलग स्थानों पर फैली हुई है वहाँ पर भी जाकर लोगों को उसको जानकर लोगों को उसके लिए प्रति प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ परिवार अपने परिवार वाले जहाँ बीमारी चल रही है जी, कोरोना आ रहा है जी, इस माहौल में आप घर से बाहर निकल रहे हैं और स्टेट पूरा पूरी इंडिया घूम रहे हैं जी,
परिवार कुछ कहा नहीं, परिवार ने बेटा कहाँ जा रहा है। किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्रयास किसी को करना पड़ेगा। अब इतने सारे लोग चले गए हमारे देश में, दुखद उनकी मृत्यु हुई थी कोरोना के कारण। हो सकता है मेरी भी हो जाती, घर पे भी हो जाती थी, तो वही मैंने सोचा भाई होना रहेगा तो या तो फिर रास्ते में हो जाए और कहीं कैसे भी हो जाए, तो घर पे ना हो। मतलब ऐसा है कि अगर मरूँ तो लड़ते हुए मरूँ, ऐसे ना मरूँ, बस यही उद्देश्य था। इस कारण से ही लोगों को प्रेरित करने के लिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि भरी वो कोरोना का काल था, बारिश थी, उस सिचुएशन में निकलता था, लोगों को प्रेरित करता था, तो वो काल था और वो सिचुएशन थी। इस कारण से ही लोग इतना सहयोग, जहाँ जहाँ जाता हूँ लोगों का जन सहयोग मिलता है। वाहन चुनना था तो साइकिल क्यों चुना आपने? अगर आपको देश को जानना है, देश की संस्कृति को जानना है, लोगों से जुड़ना है, तो वो उनके साधन से जुड़ना पड़ेगा। आप गाड़ी से अगर जुड़ेंगे तो आप लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे, संस्कृति से। हाँ, तो बाइक से आप ऐसा रहेगा तो आप संस्कृति के गांव, हमारा जो अधिकांशतः जो देश की संस्कृति गाँव में बसती है, तो बाइक में ऐसा हो जाता है कि हम लंबा निकल जाते हैं, कई कई जगह आप रुकते नहीं। साइकिल में ऐसा हो जाता है आप धीरे धीरे जाते, तो आपको रहन सहन खान पान लोगों का पता चलता है, जगह जगह पर आप रुकते हैं, लोग आपको रोकते हैं, आप उनको समय देते हैं, आप उनके बारे में पूछते कि आप देश के बारे में क्या सोचते हो, संस्कृति के बारे में क्या सोचते हो, आप योगा वगैरह करते कि नहीं करते, आपने कोरोना वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई, तो ये सब बोलने का अवसर मिलता है। उनको हमारी बारे में बात पता चलती है और हमको उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। इस कारण से हमारी भारत विविधताओं का देश कहा जाता है, तो वो जानना था, इस कारण से साइकिल को चुना। अब तक कौन कौन आपको मिल चुकी है, किनसे मिल चुकी है आप? देवेंद्र जी, मैं नितिन गडकरी जी से मिला था और फडणवीस जी से मिला हूँ, गोवा के सीएम से मिला प्रमोद सावंत जी से, और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी उनसे मिला हूँ। बाकी तो ऐसे सांसद विधायक जी से नॉर्मली हमारी बातचीत होती रहती है, उनसे बैठकें होती है, वो लोग भी स्वागत करते हैं। मतलब जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ है और जितने भी लोग हैं हमारे देश के, सब लोग बहुत ज़्यादा ही उनका प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसका परिणाम आज तक मैं निरंतर चल रहा हूँ। 233 दिन हो चुके हैं, 12,500 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, लगभग 1,00,000 बच्चों को किसी न किसी माध्यम से, चाहे पर्यटन स्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कई जगह IPS UPS की क्लासेस वगैरह चलती, वहाँ पे ही बच्चों को जाके मोटिवेट करते हैं योगा वगैरह के माध्यम से और जो भी माध्यम होता है उनके माध्यम से। तो ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और भावेश जी आपको कैसे, कब कैसे? ये भाई साहब का मार्गदर्शन हमें मिला, क्योंकि भाई साहब भी सोशल बहुत सारे वर्क से जुड़े हुए हैं, तो जब उनको पता चला कि इस प्रकार से व्यक्ति मैं निकला हूँ, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि आप आइए, आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा सोचते कि बुरी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती है। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम ये प्रयास करेंगे कि अच्छी चीज़ पहुंचे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक, और लोगों को मोटिवेशन मिले। जी मैं मॉर्निंग में निकल जाता हूँ, अगर मुझे स्कूल कॉलेजों में जाना रहता है तो वो टाइमिंग देने के बाद फिर मुझे ऐसा रहता है कई बार भरी दोपहरी में चलना पड़ता है, क्योंकि मुझे मेन उद्देश्य यही अपने युवाओं को प्रेरित करना है, उनको योग से जोड़ना है, तो बस वही उनको करने के बाद फिर मैं निकलता हूँ धूप में। जैसे शाम होते होते जब शाम ढलती 6-7 बजे तक के मेरा रूटीन चलता है, तो 60-100 किलोमीटर निरंतर मैं चलता हूँ। बीच में जितने भी अब महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, गांव है, शहर है, पर्यटन स्थल है, वो सब करते हुए ऐसा कभी कभी हो, निश्चित नहीं होता, कभी मंदिर में, कहीं आश्रम में, कहीं गुरुद्वारा में, कहीं सिविल सोसाइटीज़ में, कहीं लोगों के घर में, क्योंकि जब आप अच्छे काम के लिए निकलते हो ना, तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है। तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पे लोगों का भारी प्रतिसाद मिलता है, लोग इस चीज़ को अपनाते हैं कि नहीं आप अच्छे काम के लिए निकले हो, हम आपका सहयोग किसी न किसी रूप में करने को तैयार है और करते भी हैं। आपने बनाया रोड मैप कैसे जाना है? जी यहाँ से मेरा पहले स्टार्टिंग 21 जून से MP से हुआ, फिर उसमें UP और छत्तीसगढ़ भी किए, फिर नागपुर और नांदेड़ और अम्बोली घाट होते हुए गोवा गया, गोवा पूरा किया, उसके फिर अपने तीनों जो ज्योतिर्लिंग है वो करते हुए पुणे, रत्नागिरी वगैरह करते हुए अब मुंबई आए, मुंबई से नासिक से पहले मुंबई में थे, नासिक अभी मुंबई में है, उसके बाद तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ऐसा संपूर्ण भारत, जितने भी भारत के स्टेट है, जितने भी पर्यटन स्थल है, पूरे सब जगह जाने का प्रयास, इस कारण से 1,00,000 का टारगेट रखा है। कहाँ पर लास्ट ऐसा हो जाएगा कि अगर सेंटर से स्टार्ट किए तो सेंटर में खत्म होगा, या तो फिर गुजरात में वापस आके गुजरात में खत्म करेंगे। भाव जी आखिर कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं? मेहुल को कहीं तकलीफें भी आई और उसने मुझे कई तकलीफें भी बयान की, लेकिन ये लड़का डरा नहीं, डगमगा नहीं और अपने मंजिल के ऊपर चलता रहा। हमारे गुजराती गौरव संगठन, गुजराती गौरव की तरफ से इनको सारी ढेर सारी शुभकामना है, और मैं चाहूँगा कि ये 1,00,000 नहीं 2,00,000 किलोमीटर चले, और ये इसी से पूरा युवा वर्ग जो आज हेल्थ के बारे में जो सोचता है, इनसे प्रेरणा लेवे। ये मेरी ये युवा पीढ़ी को ये मेरा आज संदेश है, और जैसे मोदी जी चाहते हैं कि युवा वर्ग आगे आए और युवा वर्ग आगे बढ़े, और हेल्थ के बारे में उन्होंने कई तरह स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य अभियान, योग, इंटरनेशनल योग दिन मनाया, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर
हम लोग प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारा योग जो चालू हुआ वो हमारे यहाँ देश से चालू हुआ, भारत देश से चालू हुआ। इसी तरह मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट विपिन भाई जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र भाग्यराज भाई जुड़े हुए जो RPI के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, और दो शब्द वो भी कहेंगे। उनका दो दिन पहले बर्थडे था, उनको आज हमने बधाई दी। और भाग्यराज क्या कुछ कहेंगे सर मेहुल के लिए? खास मेहुल जी के जो ये जो उन्होंने ये जो साइकिल यात्रा जो निकाले, उनका मैं जो डेयरिंग है उनका मैं पार्टी के अपने RPA पार्टी के तरफ से उत्तर मुंबई जिला के युवक आघाड़ी के तरफ से उनका मैं मान सम्मान करता हूं। और हमारे आटोले साहब के नेतृत्व में ऐसे इनको मैं सम्मान दिला रहा हूं, और कोशिश करेंगे अपने आटोले साहब के पास भी इनको मुलाकात कराने का, साहब तक भी ये मैसेज हम पहुँचाएंगे। और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। मेहुल के लिए तो भाई दो शब्द कहना, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है और कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते उसके सामने वो सर झुकाते। जैसे मेरे मेहुल जी है, इतना 12,500 किलोमीटर चल के भी देखो उसकी में ताकत बनी, 1 लाख नहीं 2 लाख करेगा। ये मेरी शुभ भावना उसके साथ है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशियाँ बांटो और प्रसन्न रहो। ये मेरी दुआ आपके साथ है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार है दुआओं की, जबा पर आने से पहले रब तक पहुंच जाती, ये मेरी दुआ उनके साथ। क्या बात, गुजराती गौरव हम लोगों ने जो स्थापना की है 2013 से हम लोगों ने स्थापना की है, उसका माध्यम बने हमारे बड़े भाई पीयूष भाई। हम लोग एक संस्था में गए थे, वहाँ पर हमने देखा थोड़ा सा वो बोलते हैं ना धर्म के बारे में, तो हमने सोचा क्योंकि सारे धर्म को एक किया जाए, बराबर है, नहीं उसमें ब्राह्मण है, नहीं उसमें मिस्त्री है, नहीं उसमें लुहार है, नहीं उसमें जैन है, नहीं ब्राह्मण, सबको सब कास्ट को एक करके हमने गुजराती गौरव बनाया है। और वो गुजराती के लिए हम लोग सारे जात के गुजराती, सारे धर्म के गुजराती एक प्लेटफॉर्म को हम ले किया है। और करीबन हम लोगों ने YouTube के माध्यम से, Zoom के माध्यम से लॉकडाउन के अंदर 400 जितने प्रोग्राम हम लोगों ने किए, 55,000 लोगों को हमने एक साथ में जोड़ा, और काफ़ी अच्छे हमें मिला, आठवले साहब का मैं अभी गुजराती गौरव संगठन करके पूरे इंडिया का अध्यक्ष बनाया। आठवले साहब ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमको दी है, और साथ में हमारे साथ में भाग्यराज भाई जुड़ गए हैं, काफ़ी बड़ी टीम हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। और गुजराती गौरव का काम यही है कि मेहुल जैसे हर एक युवा को प्रोत्साहन करे, आगे बढ़ावे, उनके लिए जो भी करना है हम करें, और ये हमारा गुजराती गौरव का काम है। धन्यवाद। आप सभी भाइयों का भी, मीडिया वालों का भी बहुत बहुत खूब खूब धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें इतना अच्छा योगदान देते हो। आप लोग की हमें भी खुशी होती है क्योंकि आपके बिना तो हमारा कुछ ही नहीं है। आप प्रसारण करते हो तो लोग हमें जान पाते हैं और लोगों को मोटिवेशन कर पाते हैं। पुष्कर भाई है, उनके मित्रों है, उनका भी खूब खूब आभार, खूब धन्यवाद। तो गुजराती गौरव संगठन द्वारा मैं आपका सबका आभार करता हूँ। पीयूष भाई क्या कहेंगे सर मेहुल भाई के बारे में? मेहुल भाई ने जो काम ये अच्छा किया है, हम लोग सोचते हैं कि हर युवा ये काम करे अपने बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। माने मैं मेहुल को अभिनंदन करता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को सिखाए, मोटिवेशन करें। अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।